बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब मोबाइल मार्केट से आपके साथ लाइव हूँ जी। आपको दिखा रखा हूँ आज एक यूज़ेबल इस्तेमाल शुदा आईफोन 6। भाई अगर आईफोन की बात करें ना भाई, तो आईफोन का नाम दुनिया में इसी मोबाइल की बेस पर चला है। जब आईफोन ने ये मोबाइल मार्केट में लॉन्च किया था जी आईफोन 6, तो उसके बाद से ही आईफोन का नाम दुनिया में चला है, क्योंकि ये मोबाइल आईफोन वालों ने बहुत ही कमाल का बनाया था। तो इसकी भाई कंडीशन वगैरह और इसके प्राइस वगैरह आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको भाई ये बताता चलूं कि आपको ये मोबाइल सऊदी अरेबिया में कितने रियाल तक का लेना चाहिए, यानी कि 400 रियाल या 450 या 500 रियाल इसके दरमियान लेना चाहिए। इससे महंगा आप लेंगे तो आपका नुकसान होगा, ये मैं आपको भाई अभी इस वीडियो में बता देता हूं। तो चलते हैं जी इस मोबाइल की कंडीशन की तरफ। तो देख लें जी, बिल्कुल ओके है जी नीचे से, लेकिन मोबाइल खुला हुआ है, ये मैं आपको कन्फर्म कर दूँ। अभी इसकी ये चार्जिंग वाली पिन डाली गई है या इसकी बैटरी रिप्लेस की गई है, इस कोने पर दाग भी है जैसे मोबाइल गिरा हो, ये तो अभी खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन मोबाइल खुला हुआ है। वॉल्यूम के बटन, अप डाउन ऑन ऑफ का बटन बिल्कुल ओके है जी, कोई किसी किस्म का कलर वगैरह इनका नहीं उतरा हुआ है। ऊपर से भी मोबाइल बिल्कुल ओके है, सिर्फ नीचे से एक कोने पर दाग मुझे दिखा है जहां ऐसे लग रहा है जैसे मोबाइल गिरा है। तो पीछे लिखा हुआ है ये आईफोन बाय कैलिफोर्निया बाय चाइना। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही आईफोन देखा है जी, आईफोन 6s प्लस था, तो वो मेड इन कैलिफोर्निया था, सिर्फ उसके ऊपर लिखा हुआ, साथ में चाइना नहीं लिखा हुआ था। अगर बैक कैमरे की बात करें, मिरर वगैरह की, तो ओके है जी, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। एप्पल वालों का कटा हुआ सेब नीचे, यानी कि जो लोगो होता है जी, वो भी बिल्कुल ओपे है। इसके ऊपर कोई खराश वगैरह मुझे नहीं दिखाई दे रही है जी, बिल्कुल ठीक है जी, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। जो चलते हैं इसके फ्रंट साइड पर, इसका अगर डिस्प्ले रिप्लेस है यानी कि डिस्प्ले दोबारा डाला गया है, तो वो भी मैं आपको देख कर बता देता हूँ। सेल्फी कैमरा देख लें जी, बिल्कुल ठीक है जी, सेल्फी कैमरा वगैरह इस मोबाइल के जैसे आपको पता था 1 GB रैम थी इनकी, लेकिन कैमरा फिर भी उस टाइम दूसरे मोबाइलों के हिसाब से इसका काफ़ी अच्छा था, स्लिम स्मार्ट और वजन के हिसाब से बिल्कुल लाइट था, इसलिए ये मार्केट में भाई ज़्यादा धूम मचाई थी इस मोबाइल ने। तो मोबाइल बिल्कुल, इसका डिस्प्ले की अगर बात करें तो मैं देख रहा हूँ जी डिस्प्ले रिप्लेस नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। वो जो मोबाइल खुला है, यकीनन मोबाइल की बैटरी वगैरह ही रिप्लेस की गई है और इसके अलावा कुछ नहीं कहा गया है मोबाइल को। तो भाई मुझे लगता है कि ये मोबाइल सऊदी अरेबिया में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप खरीदें ना भाई, तो आपको ये 500 से कम ही रियाल में ख़रीदना चाहिए। अगर इस मोबाइल की बात करूं मैं, तो इस शॉप वगैरह से जहां पर मैं मौजूद हूं यहां से, तो आपको इसके प्राइस बताऊं, तो ये मैं आपको भाई कंफर्म करता चलूं कि ये मोबाइल जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है, ये काफ़ी चला हुआ है, काफ़ी पुराना मॉडल है, वारंटी वगैरह का तो नाम नहीं है इसका, लेकिन इसके प्राइस की अगर ये दुकान वाला बोल रहा है जी 550 रियाल खमसिन, यानी कि 550 रियाल, तो मैंने उसको बोला नहीं यार ये तो ज़्यादा है, तो वो बोलता तुम बता दो। फिर मैंने उसको बोला अभी 400 रियाल, वो बोलता है नहीं, लेकिन ये 400 रियाल तक ही लेना चाहिए इस कंडीशन का मोबाइल, आपको इससे ज़्यादा महंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आईफोन 6 की भाई अभी ये इतनी मार्केट नहीं है। अगर आप इस रेंज में लेते हैं ना, तो बाद में आपको सेल करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको 50-100 रियाल का ये और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा, आपका ये इजीली सेल हो जाएगा। लेकिन 400 ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छी कंडीशन में हो, तो 450, इससे महंगा आईफोन 6 अभी आपको नहीं ख़रीदना चाहिए सऊदी अरेबिया से। बाकी कंट्रीज़ का भाई तो आपको बखूबी इलम होगा। किसी और मोबाइल के मतलब जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।